अरमान को जेल में देख चारों ने तोड़ी चुप्पी और अबीदा को बताया तलाक का सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में माधव जो है अरमान को गिरफ्तार कर लेगा और अबीदा यहाँ पर बार बार जो है माधव से कहेगी अरमान को छोड़ दीजिए, लेकिन माधव साफ साफ कहते हुए नजर आने वाला है कि कोर्ट में, यहाँ पर कोर्ट नहीं है ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में जो है थानेदार की चलती है, वकीलों की नहीं। दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे अबीदा पूरी कोशिश करने वाली है यहाँ पर अरमान को जो है बेकसूर साबित करने की, लेकिन यहाँ पर माधव जो है यहाँ पर दोनों के प्यार की परीक्षा ले रहा है। दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे यहीं पर पोदार हाउस में पता चलने वाला है कि अरमान को जो है माधव भाई साहब ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे यहीं पर पूरा घर परेशान होने वाला है और यहाँ पर चारू आने वाली है अरमान से मिलने के लिए। अरमान के लिए अबीदा की तड़प देखकर यहाँ पर चारू से रहा नहीं जाएगा और कहते हुए नजर आने वाले कि भाभी सिर्फ आप जो है आप भाई को जेल से बाहर निकलवा सकती है। दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे आप अबीदा कहेगी मैं कैसे निकलूं, मेरा अरमान का तलाक हो चुका है, अरमान मुझे परेशान भी तो कर ही रहा था ना। और यहाँ पर चारू कहते हुए नजर आने वाले कि आपका तलाक हुआ नहीं है भाभी, आप दोनों का कोर्ट जो है आप दोनों का केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा, तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जब संजय काजल को बता रहा था अरमान और अबीदा के तलाक के पेंडिंग होने की सच्चाई, तब चारू भी वहीं खड़ी थी और चारू ने सारी की सारी बातें जो है उसी समय सुन ली थी। दोस्तों कहानी में जबरदस्त ट्रैक आने वाला है जहां पर कहानी में जहां पर चारू बताते हुए नजर आने वाले कि मैं ये सच्चाई पहले ही जान गई थी, लेकिन मुझे लगा था कि अरमान भाई जो है आपसे नहीं रूही भाभी से प्यार करते हैं और इसलिए मैं जो है अरमान भाई के साथ रहे, लेकिन अब मैं जान चुके अरमान भाई आपसे प्यार करते हैं। दोस्तों कहानी में जबरदस्त ट्रैक आने वाला है जहां पर चारू बताने वाली है फाइनली अबीदा और अरमान को उनके तलाक का सच।